गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडी करंट्स। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एज वी नो दैट एडी करंट इज आल्सो नोन एज फोकॉट करंट, राइट। नाउ एडी करंट्स और फोकॉट करंट्स, नाउ सी व्हाट इज द मीन ऑफ एडी। एडी इज समथिंग लाइक दिस, राइट। सिंस दीज इंड्यूस करंट्स हैविंग द शेप ऑफ एडी, दैट्स व्हाई दीज करंट्स आर नोन एज एडी करंट्स, एंड इट विल कम ऑलवेज इन प्लूरल। सिंस नॉट अ सिंगल बट मेनी करंट्स पास्ड इन अ बल्क मैटर when magnetic flux changes with time, right? Now this is the phenomena of production of induced EMF in a conductor when there is relative motion between magnetic field and conductor. Whether magnetic field is changing or the area of the conductor is changing, in both the cases the magnetic flux will change with time. And due to change in magnetic flux with time, the induced currents are in the conductor. And since these currents are concentric currents, that's why these currents are known as eddy currents. Now see, the conductor is moving and magnets are fixed. So what will happen? See, now this conductor is moving, coming in or going out from the magnetic field, so the magnetic flux linked with conductor will change with time. That's why induced currents will produce in the conductor. It means number of lines passing through the conductor changing with time. ठीक है। अब ये जो plate है ये bulk matter होगी, this is a iron plate। अब ये magnetic field के अंदर enter कर रही है और बाहर आ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो एज पर द फैराडे लॉ यहाँ पे इंड्यूस करंट्स आनी चाहिए, और क्योंकि वो इंड्यूस करंट्स जो है वो कॉन्सेंट्रिक करंट्स होती हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है एडी करंट्स। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी डिसाइडेड बाय द लेंज रूल। उसको क्या करना है, कॉज का अपोज करना है। कॉज के अपोजिशन में जो करंट की डायरेक्शन डिसाइड होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स। लेकिन ये करंट्स तभी तक पास होंगी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजे जाएंगे, ये फैराडे का बेसिक लॉ है, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वाइल हैविंग दिस सॉफ्ट आयरन कोर। ये आप देख रहे हैं एक डिस्क है, ये अंदर जो है सॉफ्ट आयरन है बराबर, और उसके ऊपर कॉइल बनाई गई है कॉपर वायर की, ठीक है। इस कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी के साथ, और बैटरी के साथ एक स्विच लगा दिया गया है, यानी की जिसे कहा जाए। जब ये की इसको टच करेगी तो इसमें करंट पास होगी, और जब ये की ओपन रहेगी तो इसमें कोई करंट पास नहीं होगी, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको की को क्लोज कर रहे हैं, यानी स्विच को ऑन कर रहे हैं। जैसे ही स्विच ऑन हुआ इसके अंदर करंट पास होने लगी, और इसके ऊपर जो डिस्क रखी गई थी, आप ये देख रहे हैं ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, इसके ऊपर एक डिस्क रखी गई। जैसे ही स्विच ऑन करा इसके अंदर करंट पास हुई, ये डिस्क जो है ऊपर उछल जाती, इट कम्स आउट इन द एयर, है ना, ये जो है ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। दिस इज द फोकॉट्स एक्सपेरिमेंट। फिर से बताते हैं, एक आयरन कोर क्वाइल है, और इसे हम सोलोनॉइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत सारे होते हैं। ये बीच में सॉफ्ट आयरन है, इसकी जो कोर है वो सॉफ्ट आयरन की बनी हुई, और कॉपर वायर की क्वाइल बनाई गई, इसके ऊपर रखी गई थी एक डिस्क जब तक इस पे करंट नहीं था। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इस पे करंट पास हुई, और ये डिस्क जो है उछल के नीचे आ गई। अब फोकॉट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो ये जानना चाहते थे कि डिस्क ऊपर हवा में क्यों उछली, ठीक है, ये डिस्क जो है बाहर आ जाती है। अब देखिए हुआ क्या है, ये जो है वो कोर है,
कॉइल की, जब इसमें करंट पास हुई तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके करंट थी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करने लगे, और बॉटम वाला पार्ट पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट थी इसलिए बन गया साउथ पोल। अब जैसे ही इसके ऊपर आपने बल्क मैटर रखा था, इससे लिंक जो फ्लक्स था वो इसके साथ भी लिंक हो गया। फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक लाइन्स इससे पास होने लगी। जब इससे मैग्नेटिक लाइन्स पास होने लगी तो हुआ क्या कि यहाँ पे करंट्स डेवलप होने लगी। करंट इस तरीके से डेवलप हुई ताकि वो कॉज का अपोज कर सके। अब कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का बनना, तो बॉटम वाले पार्ट पे भी क्या बन गई? नॉर्थ पोल। यानी यहाँ पे जो करंट्स डेवलप हुई एडी करंट्स, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये बॉटम पार्ट दिखाया गया, ठीक है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होने लगी, और ये कॉन्सेंट्रिक करंट से एडी करंट से। फिर नॉर्थ पोल ने नॉर्थ पोल को क्या करा? रिपेल किया। रिपेल करने के बाद एक फोर्स लगा इस पर, फोर्स के कारण ये हवा में आ गया, ठीक है। फिर से उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक कॉइल है, ये सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर मेटलिक डिस्क रखी हुई है। फोकॉट के एक्सपेरिमेंट, जैसे ही इसके स्विच को ऑन किया गया तो हुआ क्या, इसमें करंट पास हुई। करंट पास होते ही ये जो डिस्क थी ये उछल के नीचे आ जाती है, ठीक है। हुआ क्या है कि इससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो टाइम के साथ साथ चेंज हुआ, क्योंकि इसमें करंट पास हो रही है। खुद ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। तो इसके ऊपर जो डिस्क रखी गई थी उसके बॉटम वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रिक एडी करंट्स डेवलप हुई, और उसके कारण इस नॉर्थ पोल को एक फोर्स मिला, मैग्नेटिक फोर्स, उसके कारण उछल के नीचे आ गया। यहां से एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि किसी भी बल्क मैटर में भी करंट्स इंड्यूस हो जाती, ठीक है। इसलिए इन करंट्स को नाम दिया गया फोकॉट करंट्स, और एडी करंट्स इसलिए दिया गया क्योंकि एडी शेप की होती, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट फोकॉट ने किया, ठीक। नाउ सी इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स। पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर में कॉन्सेंट्रिक करंट्स डेवलप होंगी तो क्या होगा? करंट्स डेवलप होगा तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। जब रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो इसके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट आएगा, एज पर द जूल्स लॉ, I²RT। I² करंट होगी, करंट का स्क्वायर, R का मतलब रेजिस्टेंस, और T का मतलब टाइम। टाइम के साथ साथ जब इसमें करंट पास होंगी तो इसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे गर्म होने लगता है, ठीक है। तो एडी करंट्स कॉज हीटिंग इफेक्ट एंड सम टाइम द कंडक्टर बिकम्स रेड हॉट, बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं ये कंडक्टर। तो आपने देखा होगा स्टेबलाइजर के अंदर भी जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उस पे हीटिंग इफेक्ट आता है, इसलिए आप स्टेबलाइजर पर अगर कभी हाथ रख के देखें तो गर्म आपको महसूस होगा, ठीक है। दूसरा है डैम्पिंग इफेक्ट। डैम्पिंग इफेक्ट का मतलब, डैम्पिंग इफेक्ट का मतलब है द एडी करंट्स कॉज डैम्पिंग इफेक्ट इन द कंडक्टर इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्लो डाउन एंड फाइनली ट्राइज टू स्टॉप द कंडक्टर, ठीक है। डैम्पिंग इफेक्ट भी आ जाता है। आपने क्लास 11th में अनडैम्ड ऑक्सीलेशंस और डैम्ड ऑक्सीलेशंस पढ़े थे, ठीक। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पहली वाली स्लाइड दिखाते हैं। देखिए, ये जो प्लेट थी ये इसके अंदर ऑक्सीलेट कर रही थी। अगर ये मैग्नेट ना होता तो इसके ऑक्सीलेशंस होते अनडैम्ड, लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करता है यहाँ करंट डेवलप हो जाती। राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप हुई, यानी इधर भी साउथ पोल बन गया, इधर भी साउथ है, तो साउथ साउथ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऐसे इसकी बैक साइड में नॉर्थ पोल बनता है, इधर भी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। अल्टीमेटली इसके जो ऑक्सीलेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे कम हो जाएंगे इसका मतलब ये ऑक्सीलेशन डैम्ड ऑक्सीलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा जो इफेक्ट है वो डैम्पिंग इफेक्ट, ठीक है। द इंड्यूस सर्कुलेटिंग लूपिंग करंट्स प्रोड्यूस इन द सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स इन अ मेटल आर कॉल्ड एडी करंट्स। ये हमने पहले भी बताया था, ठीक।
अब हम इस एडी करंट को रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने रिड्यूस नहीं किया तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट आने के कारण वो मेल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो एडी करंट को कैसे मिनिमाइज किया जाता है? एडी करंट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी कम होगी। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल को लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करने का मतलब कि जैसे मेरे पास ये मेटल का ब्लॉक है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि एरिया ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, मेटल ब्लॉक इस तरीके से बनाएंगे, पहले एक मेटल की स्लाइस रखेंगे, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन लगा देंगे, फिर दूसरी स्लाइस रखेंगे, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन यानी पेंट कर दो या पेपर रख दो, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो उससे क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, साइज तो उतना ही रहेगा लेकिन क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट कम हो जाएगा। तो पहला तो है लेमिनेट करके, आप क्या कर सकते हैं, लेमिनेट करके उसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है इसको स्लॉट कर देते हैं। जैसे अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पेंडुलम रखा गया है, पिछले वाले केस में मेटलिक प्लेट थी, आपने क्या करा, इसको स्लॉटेड कर दिया, कॉम्ब शेप में लिया, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि करंट को ज्यादा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तो एडी करंट क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो हमेशा लेमिनेट की जाती है, ब्लॉक लगाने की जगह स्लाइसेस के बीच में हम इंसुलेशन लगाते चले जाते हैं, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है एडी करंट से हीटिंग इफेक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, अगर आयरन को मेल्ट करना हो या किसी और मेटल को मेल्ट करना हो तो उसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं और बार बार फ्लक्स में चेंज करते हैं, यानी करंट कम ज्यादा करेंगे तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट आएगा तो मेल्ट हो जाएगा, तो इंडक्शन फर्नेस में इसे यूज किया जाता है। दूसरा, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर में भी एडी करंट के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तीसरा है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जैसे आप देखते हैं ये अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है या कोई और गैल्वेनोमीटर है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एडी करंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ऑफ ट्रेन, ट्रेन के जो ब्रेक होते हैं उसमें भी एडी करंट को यूज किया जाता है। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर में भी हम एडी करंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आप एडी करंट्स को अप्लाई करते हैं, उसकी हेल्प से, उसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इन सब चीजों को करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। थैंक यू वेरी मच।